प्लीज। हाँ नेक्स्ट। जैसे हर जगह की स्पून यूज नहीं करता हूँ, घर पे भी एक दो अच्छी वाली स्पून रखी हुई है उनसे ही करता हूँ, लेकिन अच्छा उसका मैं समझ गया हूँ कि डेली खाऊंगा तो वो अपने आप माइंड से निकल जाएगा। मैं एक दो बार खाया भी है अच्छा दूसरी स्पून से, तो एक दो बार ही खा पाया, बाद में नहीं खाया, लेकिन अब मैं समझ गया तो मैं अब खा लूंगा उससे। वेरी गुड। जी अच्छा स्पून क्यों नहीं इस्तेमाल करते थे? स्पून का असर ये है कि एक पता नहीं, एक जो सर्विंग स्पून होती है ना, बड़ी वाली होती है, ठीक है, उसमें स्कूल टाइम से वहम था कि ये तो अजीब सी दिख रही है, मतलब कि स्कूल के हाथ से वहम लाया था, मैं लगा दिया था उस चम्मच पे, तो जब से ही है, और वो तो जब से शायद 10 साल से धुली रही है, लेकिन तब भी वो उसका माइंड में अभी भी गंदी है। माइंड में भी गंदी है कि दूसरे के 10 साल बीत गए, वो चम्मच शायद खत्म भी करोड़ों हो बार गई धुल हो, गई हो। लेकिन दिमाग वाली चम्मच खत्म ही नहीं हुई। हाँ, क्योंकि वो चम्मच उनके साथ रहती है तो हाँ बाकी भी गंदी हो रही है। तो अब अपडेट करनी है हाँ तस्वीर मन में, कि वो 10 साल तो बीत गया, 10 सेकंड में चीजें बदल जाती है ना, हाँ हवा और सूर्य की धूप से 10 सेकंड में चीजें परिवर्तित हो जाती है। बिल्कुल, 10 सेकंड में जब चीजें बदल गई तो 10 साल तो बहुत पुराना समय है। बहुत पुराना समय। उसे माइंड से हटा देना कि 10 साल के बाद बहुत कुछ बदल गया, लेकिन ए ओसीडी वाले मन, तूने पुरानी चीजों को ही पकड़ा हुआ है। तू क्यों नहीं बदल हाँ तो रहा? उसको छोड़ो और नई तस्वीर फिट कर लो और फाइट करो, गाली निकालो बस, फिर वो जिसके तस्वीर ही अपने डिलीट हो जाएगी, नई तस्वीर अपने आप फिट हो जाएगी। आप की तस्वीर, अब कैसे करोगे घर में? उसी से खाऊंगा, गाली हाँ निकालूंगा हाँ और और उसी उसी से से खाऊंगा, खाऊंगा, रोज खाऊंगा, रोज खाऊंगा, तीनों बस टाइम खाऊंगा, तीन टाइम। क्या उस चम्मच को जेब में भी रखूंगा, पानी भी उसी से उसका उसका पीऊंगा। वो उसकी वो बनवा लेता हूँ, एक चेन ब्रेसलेट हाँ टाइप, गले में डाल के हाँ रखूंगा। गले में डाल के रखता ऐसा करता हूं मैं, जैसे किसी को छिपकली से डर लगता है ना, हूँ। तो मैं, ये छिपकलियां हैं अपने घर में बहुत सारी, तो उनके गले में छिपकली लटका देता हूँ। वो कुछ देर तो उछलते रहते हैं, उछलते रहते हैं, उनके साथ ही छिपकली के साथ ही सुलाता हूँ। हाँ तो अपने आप ठीक हो जाते हैं, डर और कुछ तो खत्म। इस डर से आते भी नहीं है कि सर ऐसा करवाएंगे, तो मैं पहले पक्का कर देता हूँ कि आओगे तो ये पक्का है, तभी आओ। तभी आओ, नहीं तो आओ ही मत, क्योंकि हाँ वो अपना रिजल्ट खराब करेंगे। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, तो यहाँ आएंगे तो वो सोच के ही आएंगे, पहले वो जान हथेली पर धर के ही आएंगे कि बिल्कुल। भाई करवाएंगे जो करेंगे, नहीं तो वो आते ही नहीं है। इस वजह से कुछ लोगों ने अभी तक डिले किया हुआ है, जैसे बात तो 6 महीने हो गए किए हुए, लेकिन अभी तक आए ही नहीं। डर के मारे। डर के मारे, या कभी कभी फोन कर लेते हैं फिर बहाना लगा देते हैं, सर स्कूल है, ये है, वो काम है, है मेरे जो को पता है ये ओसीडी बहानेबाजी है, ओसीडी बहाना बना रही है उनकी, बनाने तो अपना क्या है, जब वो और परेशान हो जाएंगे तब आ जाएंगे, आना तो उनको पड़ेगा ही पड़ेगा। पड़ेगा ऐसा तो है नहीं कि ये ओसीडी ठीक हो जाएगी, बिल्कुल, आज नहीं तो साल बाद आएंगे, साल बाद नहीं तो 2 साल 2 साल बाद, बाद कभी तो आएंगे, आना तो उनको पड़ेगा ही पड़ेगा। कभी तो नंबर लगेगा हाँ इनका, अपना क्या, फीस बढ़ती जाएगी, नुकसान उनका है उनका है। बिल्कुल, हो सकता है कि अपा आने वाले दिनों में इलाज ही बंद कर दें तो। फिर वो होंगे ही कैसे। हाँ एक आधा बंदा तो मैं ऐसा ट्रेंड करके जाऊंगा जिसको ये थेरेपी ये सारी चीजें सिखा के जाऊंगा। मनीष है ना। मनीष तो स्वतंत्र है, ये तो जो चाहेगा वो करेगा, इस पे कोई नहीं, बंधन जो नहीं। चाहेगा वो तो करेगा ही, एक ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो कर ही देगा, हाँ सेवा है एक टाइप हाँ से। ये करेगा तो इसकी मर्जी, नहीं करेगा तो इसके ऊपर बंधन नहीं है, ये चाहे जो मर्जी करे, मेरे को इससे आजाद कर दिया, आजाद बंदा है ना, भी आजाद पंक्षी आया है इस दुनिया में, तो आजादी हम रहना उसकी चाहिए आजादी छीनने वाले कौन है। बिल्कुल हाँ तो इसको बिल्कुल, ध्यान से सुनिए ये लाइन। मेरे कौन से जाती थी, मेरी ये तो छीनी हुई हाँ भाई पति पत्नी के मामले में गड़बड़ हो जाती है। चलिए। चलो कोई बात नहीं, कुछ लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए। जैसे कुछ सबके सबको नहीं, जैसे कुछ इंसान, जैसे अच्छी बात है शादी बड़ी अच्छी चीज है, जो इंसान है वो इमोशनली भावनात्मक रूप से एक दूसरे को समझते हैं, उससे क्या है कि एक बड़ा अच्छा सहारा मिल जाता है। मैंने ऐसा देखा है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन इस रिश्ते से ही आती है, और सबसे ज्यादा खुशनुमा रिश्ता भी यही है। यही है अगर दोनों में अंडरस्टैंडिंग है और दोनों एक दूसरे को फीलिंग के लेवल तक समझते हैं, तो बहुत जिंदगी स्वर्ग बन जाती है, वरना गड़बड़ हो जाती है।
बिल्कुल। तो इसलिए शादी अपनी अपनी मर्जी से, जैसे आपकी शादी अपनी मर्जी से हुई है दोनों की, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। शादी में कोई जबरदस्ती नहीं होती। जैसे मैं तो कोई कास्ट को भी नहीं मानता, किसी कास्ट में हो, किसी धर्म में हो, चाहे किसी धर्म में हो शादी, तो जिसको तो इंसान से रही है ना। हाँ, वो सामने वाले की खुशी, अपने को क्या लेना देना, वो खुश है, करने वाला खुश, दोनों खुश, तीसरा बंदे का क्या रोल है, उनकी खुशी में अपनी खुशी है, बस। इसीलिए मैं ये वाली लाइन काट देना जो मैंने बोली। ऐसी लाइन चार पांच और जोड़ू। ठीक है जय सर। अब इसका है कि कपड़े दो बार जरूर धुलवाने, एक बार धुलेंगे तो वो गंदगी पूरे में लगेगी और तब साफ होगी, दूसरी बार धुलेंगे तो पूरा साफ हो जाएगा। ऐसा आपको ही लगता है या ऐसी सच्चाई है? नहीं, मुझे ही लगता है। ये भी आप लोग या बाकी सब भी तो एक एक बार धुले। तो इसका मतलब ये कोई आपका नियम, ये असली नियम नहीं है, ये मात्र एक धारणा है, धारणा है, जो गलत कपड़े का नहीं है, जिसमें वहम है वही दो बार, जिसमें वहम नहीं है वो तो ना भी दो तो भी चलेगा। पहले बात तो ये जान लो कि ये आपका मात्र एक वहम है, एक सोच है, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना है ही नहीं। रियलिटी में एक बार धोने से गंदगी फैलती नहीं है, दूसरी जगह गंदगी कभी ट्रांसफर होती नहीं है। ये सबसे बड़ा वहम यही है कि गंदगी फैलती है। गंदगी फैलती नहीं है, ये भी रॉन्ग है, और कोई भी कपड़ा गंदा होता है ये भी रॉन्ग है। कपड़ों पर क्या है, कुछ धूल मिट्टी लग गई, कुछ जैसे पसीना है उसके धब्बे से लग गए, उससे क्या है कि उसकी शेप में थोड़ा सा अंतर आ गया, उसे हम कह देते हैं कि ये मेला हो गया। और कुछ भी नहीं हुआ ना, बस उसे पानी से या बाकी किसी प्रकार के डिटर्जेंट से हमने साफ कर दिया, तो उसमें से वो धब्बे थे या कुछ पानी या कुछ मिट्टी लगी हुई थी वो निकल गई, बस उसे हम साफ कह देते हैं। वो तो एक बार में ही हो जाता है। तो अब कैसे करोगे आप? अब एक ही बार धुलवाऊंगा। हाँ, और गाली दे के कहो, गाली दे के डालूंगा धोने। हाँ, और खुद धोओगे? खुद धोऊंगा, तो पहले मैं खुद ही धो देता था। अब अच्छा, नहीं धोता। तो अब शादी हो गई है ना? नहीं, शादी से दो तीन साल से नहीं धोता। अच्छा अच्छा, जब से ज्यादा वहम लग गया। हाँ, अब धोना है। चलो, आपका ये काम तो कम हो गया ना, और आपके भी काम ये करेंगे। अब आपने इनके कपड़े भी आपने धोने, ये फायदा हो गया आपका। दूसरों के से वहम नहीं है, अपने के से। चलो, ये तो अच्छा, ये तो आपका हो गया। अच्छा, कितने वहम और बचे? तीन है। अच्छा, और भी लिस्ट बना लो फिर, अपा थोड़ा ब्रेक लेके फिर कर देते हैं, या ये कंप्लीट करके कर। हाँ, कोई नहीं, ये और है या सिर्फ तीन? नहीं, बस ये लास्ट ही है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ, अब मैं सुन रहा हूँ अच्छे से, तो हाँ, इस वजह से। अब जैसे हैंड वॉश का है, हैंड वॉश पंप होता है कि उसपे मैंने अगर गंदे हाथ लगा दिए तो दोबारा लगाऊंगा तो लगा नहीं पाऊंगा, या फिर हैंड वॉश, इस चक्कर में मैंने बहुत सारे हैंड वॉश चेंज कर दिए। न्यू पैकेट्स सारे फेक हैं, और किसी को पता ना चले तो अलमीरा के नीचे छुपा रखे हैं। अच्छा, कुछ कर ही नहीं पाता। नहीं, डूइंग है कि फेंक ही देना है, हटा ही देना है, ये अवॉइडेंस हो गया। हाँ, अवॉइडेंस हो गया। उसको साफ करना डूइंग होता? हाँ, नहीं, साफ नहीं करता उसको, तो अवॉइडेंस है। अवॉइडेंस है, साफ करूंगा तो वो नीचे तक जाएगा, जहाँ से साबुन निकल रहा है वहां भी लगेगा, तो इसीलिए डर के मारे डूइंग नहीं कर पाते, डूइंग नहीं करता, इसलिए अवॉइडेंस हो जाता है। जैसे अभी जस्ट जो लगा हुआ है, उसपे ऑफिस से आके हाथ धोने के बाद ही, नहीं नहीं, मतलब किसी भी तरीके से मैंने लगा दिया था। हाँ, तो अब लगता है कि जब भी मैं उसको दबाऊंगा तो अंगूठे में लगेगा। हाँ, फिर वो अंगूठे से नीचे जाएगा। हाँ, धोते टाइम तो दूसरे हाथ में आएगा। हाँ, तो ऐसे आता है या सिर्फ आप ऐसा सोच ही रहे हो? बस सोच ही रहा हूँ, दिखता तो कुछ है नहीं। तो इसका मतलब ये तो आपकी रॉन्ग धारणा है। रॉन्ग धारणा है, ये तो आपका जो सी है ना, अनुमानित डर है, वो नीचे जाता है, गंदा होता है, ये सारा फेक है, ये है ही नकली। अगर ऐसा होता तो बाकी हजारों लोग उसे यूज करते हैं,
हैंड वॉशर को, हाँ उनको भी आता। हाँ वही मैं ऑफिस में देखता हूँ कि मैं तो कहता भी हूँ कि यार ये तो गंदा है, तो वो कहते हैं हमें तो नहीं दिख रहा। हाँ हमें तो नहीं पता चल रहा। इसका मतलब वो सही है या हम सही हैं? सही तो वही है लेकिन हमारा मन कहता है कि हम ही सही। हाँ ओसीडी कहता है ये कि हमें पता आपको भी है यार है गलत मैं ये कुछ कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन ओसीडी मान्य कहाँ देता है? ये विचार ओसीडी के हैं आपके नहीं है, ये धारणा ओसीडी की है। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो इसको कैसे फिर आप फाइट करोगे? लेता तो हूँ ही नॉर्मल नॉर्मल डरते बचते 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 लेता हूँ। हाँ तो अब नॉर्मल लूंगा और हाथ धोऊंगा, मन में ये नहीं लाऊंगा कि इससे कुछ गंदा हो रहा है और गाली देके। हाँ ये मन में ही लाना है कि हाँ सारा कुछ गंदा ही कर रहा हूँ। हाँ मन यही लाऊंगा कि कर रहा हूँ मैं तो हाथ गंदे ही कर रहा हूँ। हाँ मैं तो हाथ गंदे ही कर रहा हूँ, गंदगी में ही रहूंगा, गंदगी में ही रहूंगा। हाँ क्योंकि ये इसको भी गंदा करना अगर नहीं गंदा होता एंड वो उसको भी गंदा करता। हाँ सारे आप देखो कि आप जा रहे हैं भीम गंदे नंबर वन हैंड वॉश यूज करने और अब हैंड वॉश को गंदा करेंगे, उसके बाद पूरे घर को सबको गंदा करने जा रहे हैं। हाँ। अभी शुरू होने जा रहा है गंदगी फैलाओ अभियान पूरे डायलॉगबाजी के साथ। ठीक है। हाँ गाली निकालते तो एक पिक्चर बन जाएगी। हाँ पिक्चर के साथ जैसे एक फिल्म में आप एक्टिंग कर रहे हो, एक्टर बन जाना है ये। चलो कुछ काम नहीं है, चलो गंदगी फैलाते हैं, कोई काम नहीं है, चलो आज गंदगी यहाँ फैलाते हैं। एक नियम बना लो, गंदगी तो फैलानी ही फैलानी है। सुबह से उठ के गंदगी। हाँ सुबह उठते हैं, सुबह उठता है बंदा शाम तक गंदगी फैलाता है, इनकी सफाई का काम बढ़ जाएगा। हाँ सारे सारी जगह गंदगी फैला के रखेंगे। तो ये हैंड वॉशर वाला हो जाएगा? हाँ जी। कैसे करोगे? जबरदस्ती लूंगा और दोनों हाथों को एक साथ धोऊंगा। हाँ और अलमारी के नीचे तो नहीं छुपाओगे? नहीं अब उनको भी निकाल, उनको भी निकाल दोगे। वेरी गुड, उनको भी निकाल। ये हुई बात, वेस्ट ही हो रहे हैं। हाँ खराब हो रहे हैं पैसे। चलिए ये भी निकल गया। हाँ जी ओके। ऑफिस का टॉयलेट और हैंड वॉश का, टॉयलेट का तो चलो इतना नहीं है मतलब, हाँ हैंड वॉश का कि अलग अलग लोगों ने या उस पर्सन ने हाथ वाथ धोए हैं। हाँ नल छुआ है या हैंड वॉश लिया है वहां से। हाँ उसका है मतलब, ये भी वहम है कि जो नल से पानी आ रहा है। हाँ वो भी वहम वाला आ रहा है, गंदा आ रहा है। अच्छा क्योंकि वो उस पर्सन ने पकड़े हैं। क्योंकि अब मुझे प्रॉब्लम है, उसे तो नहीं है ना, वो तो धोएगा ही जाकर। हाँ वो तो सारा काम करेगा। हाँ वो आजाद बंदा है भाई, वो आजाद बंदा है। हमारी तरह ओसीडी वाला नहीं है। हाँ बिल्कुल। इसको कैसे किया जाए? अच्छा उसने क्या क्या किया है? एक तो जैसे नॉर्मल सब करते हैं, साबुन लिया हाथ में हैंड वॉश से, बटन दबा के नल खोला और हाथ धोए नल से, पानी चला गया, वो चला गया। अब आपके मन में विचार फंस गया कि उस वो गंदा है, उसने सारी चीज छुई है, वो गंदी हो गई, वो वहम वाली हो गई। हाँ तो ये आपका ओसीडी का विचार है या रियल विचार है? ओसीडी का ही विचार है, रियल में तो कुछ दिखता नहीं है। अगर रियल होता तो दूसरे ऑफिस वालों को भी दिक्कत होनी थी। हाँ रियल होता तो फिर तो सबको ही दिखता है कि गंदा। इसका मतलब ये जो फ्यूचर वाला डर है या ये ऑब्सेशन है, ये तो नकली है, ये नकली ओसीडी के हैं, इनमें तो कोई सच्चाई है ही नहीं। अगर गंदे होते तो वो घर में भी यूज करता है, उसकी बीवी बच्चे सबको प्रॉब्लम होनी थी, उसके मम्मी पापा। हाँ वो तो बचपन से ही उसके साथ हैं। हाँ जी वो भी गंदे होते फिर। बिल्कुल वो तो नहीं हुए कभी। हाँ तो इसका मतलब हम ही गलत सोच रहे हैं जी, ये हमारी धारणा ही रोंग है। तो अब इसको कैसे ठीक करोगे? मैं उसी से ही धोऊंगा। गाली निकालते हुए? गाली निकाल, वो बंदा चला जाए देखते रहना अभी उसने हाथ धो लिए, अब आपने गाली स्टार्ट कर दी। वही है कि मन में ये नहीं है वो धोए ना धोए। हाँ कि मन में ये आ चुकी है कि वो कर गया इसको। हाँ कर गया, और उसको देखना भी एक दो बार। हाँ। कि वो करके गया, उसके तुरंत बाद आप गए और गाली निकालते हुए और जबरदस्ती सारा किया और आ गए। आ गए अब फाइट करनी है आप। फाइट कर तो 21 दिन ये फाइट करनी है। हाँ, उसके बाद ये सारा डाटा निकल जाएगा। हाँ जी मैंने भी पढ़ा है 21 दिन का ही होता है। अगर हाँ, उसमें माइंड पैटर्न बदल जाता है। हाँ, पैटर्न बदल जाता है माइंड का। हाँ 21 दिन या 31 दिन जो भी है, मैंने 31 का बताया था आपको। हाँ चलो आप 21 कर लो, 31 कर लो, बराबर ही है। हाँ, आप 21 कर लोगे तो भी सही है।
क्योंकि आपकी स्पीड अच्छी है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए 31 होता है, कुछ के 21, तो आपके लिए 21 वाला ही फार्मूला पर्याप्त है। कोशिश तो करनी है कि 21 घंटे में ही हो जाए। हाँ, हो सकता है 21 घंटे में भी, 20 मिनट में ही हो जाए, हो तो मिनट में भी सकता है, पॉसिबल तो क्या नहीं है, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल, हाँ हाँ, वो आपके ऊपर है, अब बाकी चीजें सारी आपके ऊपर है। ठीक है, तो करूंगा मैं इसको, कर सकते हो और कर ही लोगे, बस आपको एक दो धक्के मारने की जरूरत है, फिर गाड़ी सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। हाँ। अभी हो नहीं रही अभी थोड़ा धक्का लगाना पड़ता है ना, क्योंकि गाली में दिक्कत है, गाली फुल शुरू कर देनी, अब सोचनी है आज ही दिल्ली से लड़के बुलाता। हाँ, 4-5 गाली वाले दोस्त बना लो, उनके पास रहो कुछ दिन। अब वो ये ना, नहीं तो फिर कहीं ट्रेनिंग ले आओ गालियों की, जहाँ मिल जाए। दिल्ली में तो बहुत है ना, दिल्ली ही तो फेमस। हाँ, बस वहां वहां से गाली सीख लो बढ़िया बढ़िया सी, और आपने वो लिख लेनी है वो सीडी के लिए, उनकी प्रैक्टिस करनी है। जी सर, तो अब आप तरीका समझ चुके हो सारा? हाँ, सारे तरीके समझ चुका हूँ। अच्छा, ये हो गया ऑब्सेशन कंप्लीट? हाँ जी, मतलब यही है मेरे डेली के। तो ठीक है, तो अभी कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे कुछ लिस्ट बना लेना भी, अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अच्छा, हाँ, जैसे एक तो मिट्टी का करेंगे, मिट्टी में आप नंगे पैर उसी में हाथों से सारा कुछ करके, मिट्टी चेक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक आराम से कर लूंगा। हाँ, एक कर लोगे, और आप लिस्ट बना लेना, ठीक है, और एक आपकी मम्मी जी से लिस्ट बनवा लेना, जो प्रैक्टिकल आप करें। अच्छा ठीक, हाँ, वो फिर एक घंटे के सेशन में प्रैक्टिकल करेंगे सारा। ठीक, वो करोगे, नॉर्मल कर ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन करना जरूरी है बस। हाँ, इस चीज पे कब बात करेंगे कि अगर घर जाके मुझे हाँ, नहीं कंट्रोल कर पाया तो इसके ऊपर बात करेंगे आप। अभी आधा घंटे का ब्रेक आएगा, और 1.5 से 2:30 तक वो करेंगे, फिर 2:30 से आगे 3 बजे तक अपना आएगा। 3 बजे जब बैठेंगे ना, फिर आप करेंगे होमवर्क देंगे। कैसे? एक तो होमवर्क का सेशन रहेगा, एक घर पे कैसे रहना है उसका सेशन रहेगा, और शाम को फिर एक हिप्नोथेरेपी का सेशन रहेगा। ये आज का पूरा शेड्यूल है। अच्छा, उसी में बताएंगे कि मन में फिर से घर जाके आ जाए। हाँ, तो कैसे अवॉइड करना है। हाँ, ये 3 बजे सेशन आएगा। अच्छा, उसके बाद फिर होमवर्क का आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हिप्नोथेरेपी का आएगा। ठीक ठीक है, अभी प्रैक्टिकल का आएगा, उसके बाद फिर घर में, वो भी लिस्ट बना लेना, भी घर में यहाँ यहाँ जहाँ दिक्कत आ सकती है वो लिख लेना। वो सारी मैंने वैसे लिख रखी। हाँ, तो एक ही स्टाइल में बता दूंगा मैं। वही थे सारे डाउट्स, वही बता, घर वाला बता दूंगा, और घर में क्यों दिक्कत आती है सारा बताता हूँ, खुल के बताऊ। ठीक है, ये कि घर जाके भूल ना जाऊं, बस भूलोगे मन में आए तो इस तरीके से करूं। हाँ, कि जैसे यहाँ कर रहा हूँ। अब आपके भूलने की कोई संभावना ही नहीं है, कुछ तो आपको याद रहेगा, कुछ इनको रहेगा जी, और बाकी इसको तो सारा ही रहता है, ये तो भूलता ही नहीं है, है ना। ठीक है, ठीक, हाँ, ये वीडियो कुछ ही दिनों में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ हाँ, ये सारे मैं उसमें कोर्स में डालूंगा, तो आप कोर्स से ले लेना। ठीक, उसमें बहुत से लोगों के डले हुए। हाँ, देखा है मैंने वो यूट्यूब पे, तो आपने कोर्स तो देखा ही नहीं है ना। नहीं, जैसे कल देखे एक दो लोगों की। ना ना, कोर्स में नहीं देखा ना, कोर्स तो आपके पास सब्सक्रिप्शन ही नहीं है। अच्छा, वैसे अलग से? हाँ, ऐप के ऊपर, राजेंद्र जोधपुरी ऐप। अच्छा, हाँ, उसमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। हाँ, पूरे पूरे कोर्स का। हाँ, पूरे पूरे कोर्स का। अच्छा, उसमें लगभग 50 से 60 लोग जो मेरे पास आए, जो 2 दिन मेरे पास रहे, तो उनका भी, जैसे आपका रिकॉर्डेड है वैसे उनका पूरा, day 1 से day 2 day 3 सारा उनका भी तो रिकॉर्डिंग है। अच्छा, ऐसे वाले। हाँ, तो उनमें कुछ एक्टिविटियां अलग है, जैसे किसी को लास्ट से डर लगता है तो उसको डेड बॉडी भी दिखाई है। अच्छा, लेके गए थे, जिसको शमशान घाट से डर लगता है उसको शमशान घाट भी लेके जाते हैं, जिसको जिससे डर लगता है वो काम करता है। हाँ, वो सारा काम करवाते हैं। अच्छा, जिसको अंधेरे से डर लगता है अंधेरे में छोड़ देते हैं, जिसको सांप से डर लगता है उसके गले में सांप लटका देते हैं। अच्छा तो फाइट ही तो करवानी है। हाँ, वो तो है, पहले समझाना फिर फाइट। ठीक है, चलिए मिलते हैं आधे घंटे में। है, ठीक है।
महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद ना आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।